गाइस, आई रियली होप आप सब अपने घरों पर एकदम सेफ और बहुत मज़े से होंगे। सो गाइस, आई एम रियली एक्साइटेड टुडे क्योंकि लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ मीशो से कुछ अनारकली कुर्तीज़, गाउन्स, कुर्ता सेट शेयर किए थे और आज मैं उसका पार्ट टू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे जो भी प्रोडक्ट्स लास्ट वीक मैंने शेयर किए थे वो आप लोगों को बहुत पसंद आए और जो आप मुझे मिले हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगेन इस पर भी आपको जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अबव 4.5 के जो है अनारकलीज, गाउन्स, कुर्ती, कुर्ता सेट्स दिखने को मिलेंगे जो कि एकदम अप्रोप्रिएट होने वाले हैं आने वाले पूरे ही फेस्टिवल सीजन के लिए। आप चाहो तो इनको पार्टी में या फिर वेडिंग में भी इजीली वेयर कर सकते हो और सुपर गॉर्जियस लग सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल हैं एंड साइजेस ऑलमोस्ट इनमें सारे ही अवेलेबल हैं। प्राइजेस और साइज जो है मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। बाकी इनका डिटेल्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड येस, इनके जितने भी कोड्स हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिल जाएंगे। मैंने सारे ही प्रोडक्ट्स के कोड वहाँ पर मेंशन किए हैं, साथ में मैंने मेंशन किया है मीशो का अपना कोड और लिंक। अगर आपने मीशो का अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप मेरे दिए गए लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हो और मेरा कूपन कोड यूज करने पे आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 100 रुपीज ऑफ या फिर अप टू 50% ऑफ मिल जाता है, तो उसको यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा क्योंकि आप सभी के लाइक और कॉमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस छोटे से चैनल की ग्रोथ के लिए। और अगर इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियोज या फिर रिव्यू वीडियोज आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का प्यारा सा हॉल पिटारा चेक करते हैं। पहले आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस हॉल का शो स्टॉपर। जैसा कि हर बार मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ इस तरीके का अनारकली विद दुपट्टा सेट है। अगर हम इसके अनारकली कुर्ता या फिर गाउन की बात करें तो इसका मटेरियल जो है वो आपको मिल जाता है चंदेरी सिल्क, बहुत ही फाइन प्रीमियम क्वालिटी का है। राउंड नेक आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से एंड इसके पूरे ही योग पार्ट पे आपको ये मल्टी कलर का जो है थ्रेडवर्क मिलेगा, साथ में फॉल्स मिरर की डिटेलिंग है। ओवरऑल इसके योग पार्ट की लुक कुछ ऐसी आ जाती है। ये पूरा ही जो लेस वर्क है इसमें स्टिचिंग में हो रखा है तो कुछ भी नहीं निकलेगा। बाकी आपको पूरे ही फैब्रिक में कुछ इस तरीके का थ्रेड एम्ब्रॉयडरी व्हाइट कलर का और साथ में सिल्वर कलर का सीक्वेंस वर्क जो कि इसमें स्टिच्ड है ये देखने को मिलेगा। ये वर्क जो है गाइस इसके पूरे ही फ्रंट में हो रखा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए पूरे ही फ्रंट में आपको ये ब्यूटीफुल सा वर्क देखने को मिलता है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है एंड जो इसका चंदेरी सिल्क फैब्रिक है ना, आई टेल यू गाइस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और प्रीमियम क्वालिटी का है। इस कुर्ती को आप किसी भी हाई एंड ब्रांड की कुर्ती के साथ जो है कंपेयर कर सकते हो। ओवरऑल इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसकी स्लीव्स जो है आपको 3/4 मिलती है कुछ ऐसी एकदम प्लेन चंदेरी सिल्क में एंड इसकी स्लीव के एंड पे आपको ये मल्टी कलर का ब्यूटीफुल सा जो है लेस डिटेलिंग पैचवर्क जो है एक्चुअली ये मिल जाता है, अगेन स्टिचिंग में है ना। ये जैसा कि मैंने बोला कि अनारकली गाउन है, ये आपको वेस्ट तक एकदम प्रॉपर फिट आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्लेटेड दे रखा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। सो ये काफ़ी यू नो कम्फर्टेबल रहता है, बिल्कुल टाइट नहीं लगता है एंड नीचे जैसे आप जाओगे इसका घेर जो है बढ़ता जाएगा और आप देख सकते हो कि इसमें नीचे पूरे ही घेर पे आपको यही वाला जो है सीक्वेंस वर्क का और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाता है। ये देखिए पूरे ही इसके नीचे तक ये कुछ इसी तरीके से जाएगा एंड इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा खासा है कुछ ऐसा एंड वाइट कलर है। सो इसके नीचे इन्होंने जो है कुछ इस तरीके की सेम वाइट कलर की ही आपको लाइनिंग प्रोवाइड कर रखी है। सो कुछ भी ट्रांसपेरेंट या फिर शेयर नहीं रहेगा, कंफर्टेबली आप इसको वेयर कर सकते हो एंड बैक साइड पे आपको ये एकदम प्लेन इसी वाइट कलर पे मिलने वाला है। एंड जैसे कि इसका मटेरियल मैंने बोला चंदेरी सिल्क है, आपको पूरे ही कुर्ते पे एक बहुत ही सटल सी डिसेंट सी शाइन दिखने को मिलेगी जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है। बींग अ वाइट कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। नाउ इस कुर्ते की लुक को जो है इन्हेंस करने के लिए इन्होंने साथ में आपको दे रखा है एक मल्टी कलर का दुपट्टा जो कि इसके यू नो लेस वर्क के साथ मैच खाता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है एंड दुपट्टा बहुत ही वर्सेटाइल है गाइस। इसको आप अपनी किसी भी यू नो लहंगा के साथ या फिर अपनी कुर्तीज़ के साथ पेयर अप कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लगता है। कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल सा इसका दुपट्टा आपको मिल जाता है जिसकी लेंथ और विड्थ एकदम परफेक्ट आई है। कुछ इस तरीके से आपको इसमें ब्यूटीफुल से ना ये सारे ही कलर्स देखने को मिल जाएंगे, रेड, ग्रे, येलो, मजेंटा, ब्लू, ऑरेंज, आई मीन सारे कलर्स इसमें हैं एंड ये जो है रिंकल दुपट्टा है। पूरे ही दुपट्टे में आपको कुछ इस
तरीके से ना रिंकल्स देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसके दो तरफ जो है आपको कुछ इस तरीके से विड्थ में गोल्डन कलर की लेस डिटेलिंग जो कि इसमें स्टिचिंग पे दे रखी है कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है इसकी विड्थ हो जाती है एंड लेंथ भी एकदम इसकी प्रॉपर है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल है ओवरऑल पूरा दुपट्टा, आई मीन कम्प्लीट सेट बहुत प्यारा लगता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस। डिसेंट कलर का कुर्ता है, साथ में आपको वाइब्रेंट दुपट्टा दे रखा है जो कि एकदम बैलेंस कर देता है आपस में एक दूसरे को, कुर्ते को भी और दुपट्टे को भी। तो आप जो हो इनको काफ़ी वर्सेटाइल तरीकों से यूज़ कर सकते हो दोनों ही चीज़ों को। सो आई थिंक इस पर इन्वेस्ट करना डेफिनेटली बनता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप सर्टेनली इसको परचेज कर सकते हैं। आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही प्रिटी और डिफरेंट कलर एंड बहुत ही एलिगेंट पीस जिसमें आपको मिल जाता है अनारकली कुर्ता साथ में एक ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका कुर्ता जो कि कुछ इस तरीके से सैटन फैब्रिक में आपको मिल जाएगा। इसका जो शेड है वो है फॉरेस्ट ग्रीन, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, न्यूट्रल कलर है, हर स्किन टोन पे ये बहुत अच्छे से जाता है। कुछ इस तरीके से इसका राउंड नेक है एंड यहाँ पे जो है आपको इसके फ्रंट पे यू पार्ट पे ये पूरे पोटली बटन्स मिल जाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसे इसमें आपको मिल जाती है टेलर्ड स्टिच, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। सो ये एकदम प्रॉपर फिट आता है, बिल्कुल भी लूज या फिर फ्लिमजी सा नहीं रहता। बाकी इसमें जो स्लीव्स हैं आपको ना यहाँ पे ऐसे पफ्ड स्लीव दे रखी है कुछ इस तरीके से, शॉर्ट स्लीव्स हैं बट यहाँ से पूरा पफ दे रखा है। तो ये बहुत ही डिफरेंट और यू नो एक बहुत ही प्यारी सी लुक क्रिएट कर देता है, डिफरेंट लगता है एक्चुअली वेयर करने के बाद। नाउ ये जो है आपको पूरा कंप्लीट कुर्ता इसी सॉलिड कलर में मिलेगा, सैटन्स का फैब्रिक है जो कि बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट है। यहाँ पे वेस्ट तक आपको ये एकदम प्रॉपर फिट आएगा एंड उसके बाद जस्ट लुक एट द घेरा गाइज, आई मीन इतना बड़ा घेरा इसका, ये देखिए आई मीन इतना बड़ा घेरा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड घेरे के नीचे जो है ये पूरा आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पाइपिंग आई मीन लॉक कर रखा है, इंटरलॉक है, सो कुछ भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा। साथ में अंदर से आपको लाइनिंग भी प्रोवाइड कर रखी है तो कुछ भी किसी भी तरीके से सी थ्रू नहीं रहेगा। पीछे जो है इसमें आपको ना डीप नेक दे रखा है एंड उसके साथ आपको यहाँ पे ना डोरी वर्क मिल जाता है कुछ इस तरीके से, साथ में टैसल है एंड बैक साइड पे भी जो है ये पूरा कंप्लीट आपको इसी तरीके से सॉलिड शेड में मिलेगा। नाउ गाइस आप सोच रहे होंगे आई मीन सॉलिड कलर का कुर्ता है तो ये कैसा ही लगेगा वेयर करने के बाद, लेकिन इसके साथ जो दुपट्टा मिलता है ना आपको आई टेल यू इतना ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल बना देता है इस कंप्लीट लुक को। जिस लोगों को यू नो एलिगेंट सोबर लुक चाहिए होती है वो कुछ इस तरीके के सेट्स अपने पास रख सकते हैं। सो ये जो होता है पूरा ही इसके साथ आपको मिलता है एक बेसिक कलर का अनारकली गाउन या फिर कुर्ता बोल लीजिए एंड इसके साथ आपको मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेसफुल ऑर्गेंजा दुपट्टा कुछ इस तरीके से। ये देखिए सेम शेड में आपको ऑर्गेंजा का दुपट्टा मिलेगा जिसमें पूरी एक कट डिटेलिंग मिल जाती है कंप्लीट पूरी ही इसकी दोनों तरफ की लेंथ में। ये देखिए यहाँ पे आपको गोल्डन कलर का जरी वर्क मिल जाता है, पूरा फ्लोरल पैटर्न आपको दे रखा है, कट डिटेलिंग है, आई मीन और क्या चाहिए। यहाँ पे बीच में जो है आपको कुछ इस तरीके से ना लाइन वर्क मिल जाएगा जो कि फैब्रिक प्रिंट ही है एंड कुछ इस तरीके के गोल्डन कलर के जो है फ्लावर्स जरी वाले आपको कंप्लीट पूरे दुपट्टे में दिखने को मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों जो है इसकी लेंथ में आपको ये वाला पूरा वर्क मिल रहा है एंड बीच में ये पूरे गोल्डन कलर के ब्यूटीफुल से फ्लावर डिटेलिंग दिखने को मिल जाती है। लेंथ विड्थ इसकी एकदम परफेक्ट आई है एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कुछ इस तरीके के ऑर्गेंजा दुपट्टा जो है बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, आप इनको किसी भी तरीके की अपनी और कुर्ती या फिर कुर्ता सेट्स है उनके साथ पेयरअप कर सकते हो, टोटल जो उसका लुक होता है ना एकदम डिफरेंट कर देते हैं ये पेयरअप करने के बाद। कलर भी इसका बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे एंड कम्प्लीटली ये वेयर करने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। सो या आप डेफिनेटली इस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल अगेन अनारकली कुर्ता और दुपट्टा का सेट, काफ़ी बेसिक शेड है, मरून शेड में आपको ये प्यारा सा कुर्ता मिलता है जॉर्जेट फैब्रिक में जिसमें कि आपको पूरा ही जो है ये सेल्फ वर्क मिल जाएगा, सेल्फ थ्रेड वर्क है पूरे ही कुर्ते में कुछ ऐसे। नाउ अगर इसके नेक की बात करें तो आपको मिल जाता है ये मंडेरियन कॉलर और यहाँ पे इसके योक पार्ट पे आपको पूरा ये पोटली बटन्स की डिटेलिंग दिखने को मिलेंगी। सो ओवरऑल इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है एंड स्लीव्स आपको इसमें मिल जाती हैं, ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स हैं, आई मीन 3/4 से थोड़ी सी बड़ी होती हैं कुछ ऐसी। एंड स्लीव्स में भी आप देखो आई मीन ये वाला जो पूरा वर्क जा रहा है ना थ्रेड का ये कंप्लीट फैब्रिक में आपको दिखने को मिलेगा जो कि पूरे ही कुर्ते पे है। सो ओवरऑल कुछ इस तरीके से सॉलिड शेड का है, यहाँ पे आपको ये वेस्ट तक एकदम फिट है एंड नीचे इसका भी जो फ्लेयर है बहुत बड़ा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्लेयरी है एंड बहुत ग्रेसफुल लगता है ये देखिए कुछ इतना इसका जो है घेर आ जाता है
एंड यहाँ पे इसके साथ आपको मिल जाती है लाइनिंग अंदर से कुछ ऐसी, सो ये भी एकदम यू नो आप कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। एंड बैक साइड पे आपको मिल जाता है ये कुछ इस तरीके से सिंपल इसी सॉलिड कलर का। ये देखिए घेरा गाइज इन सभी कुर्तों का बहुत बड़ा, बहुत ही फ्लेरी है, जॉर्जेट फैब्रिक है तो एकदम से ग्लाइड ऑन हो जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक फिट ले लेता है और आपको दिखाता है सुपर गॉर्जियस। गाइज इस सॉलिड मरून शेड के कुर्ते की लुक को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है उसका ये प्यारा सा दुपट्टा, जो कि बहुत ही सॉफ्ट क्रेप फैब्रिक में आपको मिल जाता है। एंड इस दुपट्टे की जो लेंथ और विड्थ है वो एकदम प्रॉपर है, कुछ इस तरीके से डिजिटल प्रिंट में मल्टी कलर्स का आपको दुपट्टा मिलता है जिसमें पूरा ये फ्लोरल पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, एंड दुपट्टे की दोनों ही तरफ की लेंथ में आपको कुछ इस तरीके से ना कट पैटर्न मिल जाएगा और साथ में रोज गोल्ड और गोल्डन कलर का कुछ इस तरीके से जरी वर्क देखने को मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही नीट और क्लीन वर्क है एंड ये वेयर करके बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड कुछ इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा जो है ऐसे सॉलिड कुर्तीज के साथ बहुत ब्यूटीफुल ग्रेसफुल लगते हैं। एक्चुअली इसमें जितने भी कलर्स यूज करे हुए हैं, आपके पास कोई भी सॉलिड कलर का कुर्ता है ना तो उसके साथ ये परफेक्टली जा सकता है एंड बहुत प्यारा लगता है। पूरा ही दुपट्टा आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा, इसकी जो यहाँ पे विड्थ है इसको पीको किया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी थ्रेड नहीं निकल रहा है। बाकी इसकी लेंथ में तो आपको ये पूरा ही वर्क मिल जाएगा कट डिटेलिंग और जरी वर्क का, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल है ये कंप्लीट सेट भी। आप डेफिनेटली अगर कुछ यू नो रेड बेसिक शेड में अगर देख रहे हो न्यूट्रल शेड तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीस होने वाला है, आप डेफिनेटली इसको ले। नेक्स्ट गाइस आपके साथ शेयर करूंगी अगेन एक अनारकली कुर्ता और साथ में उसके दुपट्टा मिलता है। जो अनारकली है वो आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिलता है, इसका नेक आपको कुछ इस तरीके से राउंड नेक मिलेगा और पूरे ही नेक पे आपको ये ना पोटली बटन्स मिल जाएंगे जो कि इसमें स्टिच हो रखे हैं, निकलेंगे नहीं। स्लीव्स इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल है, कुछ इस तरीके से आपको इसमें ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स मिलती है। स्लीव्स के एंड पे आपको ये रोज गोल्ड कलर का जो है पूरा जरी वर्क देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न है। ये देखिए ये पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल है ये भी। इसके साथ ना आप कुछ गोल्डन कलर की ज्वेलरी वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी। कुछ इस तरीके से सॉलिड ब्लैक कलर का है एंड इसकी स्लीव्स में कुछ ऐसा वर्क हो रखा है पूरी ही स्लीव्स के घेर पे, एंड ये आपको ना वेस्ट तक आ जाता है एकदम परफेक्ट फिट। एंड उसके बाद ये पूरा प्लीटेड है नीचे तक, ये पूरा इसी तरीके से जाएगा एंड इसका घेर भी गाइस बहुत बड़ा है। ये देखिए आई मीन कुछ इतना बड़ा इसका भी घेर है एंड नीचे इसमें ना आपको कुछ इस तरीके से ऐसा पैटर्न दे रखा है फोल्डिंग। ये देखिए कुछ ऐसे तो ना ये काफ़ी अच्छा एक यू नो फ्लेयर बना देता है नीचे एंड काफ़ी ग्रेसफुल लगता है। इस कुर्ते के अंडरनीथ भी गाइस आपको जो है लाइनिंग प्रोवाइड कर रखी है कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर की अंडरनीथ, तो ये बिल्कुल भी जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना आपको मिल जाएगा राउंड नेक कुछ इस तरीके से एंड इसके साथ आपको मिलता है गोल्डन एंड ब्लैक कलर का डोरी वर्क। ये देखिए कुछ ऐसा टैसल वर्क भी है साथ में एंड पूरा पीछे से जो है ये कंप्लीट ब्लैक शेड का ही होने वाला है। ऐसे फ्लेयर वाइज ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप ट्राई ऑन को देख सकते हो। इसके साथ जो इन्होंने आपको दुपट्टा प्रोवाइड किया है अगेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है डिजिटल प्रिंट में कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको मरून ग्रे एंड यू नो पिंक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो कि बहुत प्यारा है। यहाँ पे पूरा ही इसकी लेंथ में जो है आपको ये कट डिटेलिंग का वर्क और साथ में गोल्डन डार्क गोल्डन एंड लाइट गोल्डन का कुछ इस तरीके से जरी वर्क देखने को मिल जाता है। ये देखिए आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ ऐसा जो है पूरा ही वर्क इसके दुपट्टे के लेंथ में आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे इसकी विड्थ जो है पूरी पीको करी है कुछ ऐसी, सो ये भी जो है ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल है। बीच में पूरे ही दुपट्टे में आपको ये गोल्डन कलर का जो है कुछ ऐसा फ्लावर डिटेलिंग मिल जाएगा जरी वर्क में। ये देखें सो ये जो है ना जब आप ब्लैक कुर्ती के ऊपर ये दुपट्टा कैरी करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लगता है। इफ़ यू आर अ ब्लैक लवर डेफिनेटली दिस पीस इज गोइंग टू बी फॉर यू ओनली, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ब्यूटीफुल सा रेयन फैब्रिक में सेट जिसमें आपको अनारकली कुर्ता मिलता है और मिलती है पैंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कुर्ता, इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी का रेयन मटेरियल है एंड यहाँ पे आपको मिलता है राउंड नेक। पूरे ही इसके योक पार्ट पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से ना मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा वाइट कलर का। एक्चुअली इसको कश्मीरी आरी वर्क भी बोलते हैं जो कि कुछ ऐसे है, बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क है। ये देखिए कहीं से भी कोई थ्रेड वगैरह नहीं निकल रहा है, ओवरऑल योक पार्ट पे ये पूरा कुछ इस तरीके से लुक देता है। ये जो पर्पल शेड है ना गाइस ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, न्यूट्रल है, आपका चाहे डार्क स्किन टोन हो, लाइट है या फिर मीडियम फेयरर है, जैसा भी है बहुत अच्छे तरीके से ये
ये ज़्यादा है एंड ग्रेसफुल लगता है वेयर करने के बाद। नाउ ये आ जाती है इसकी वेस्ट लाइन कुछ इस तरीके से, एकदम परफेक्ट फिट है इसका भी। एंड वेस्ट लाइन के बाद आप देखो नीचे पूरे ही घेर पे ना आपको ये बेल वर्क और ये फ्लावर डिटेलिंग मिल जाती है, अगेन जो कि मशीन वर्क है। ये देखिए पूरा ही जो है ये मशीन है वर्क एम्ब्रॉयडरी का, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इसका घेर बढ़ेगा एंड नीचे तक आपको फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है। सो अगर आपको मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा कुर्ता हो जाता है, बहुत ही अच्छा इसमें पूरा वर्क हो रखा है। स्लीव्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाती हैं फुल स्लीव्स कुछ ऐसी, एंड स्लीव्स के एंड पे जो है आपको कुछ इस तरीके का वर्क दिखने को मिल जाता है मशीन एम्ब्रॉयडरी का। एंड बैक साइड पे जो है आपको ये एकदम प्लेन मिलेगा इसी सॉलिड शेड में। यहाँ पे वेस्ट पे आपको हल्के से ना गैदर्स मिल जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं ओवरऑल इस कुर्ते को। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल पीस है, इसको आप किसी भी ओकेजन में वेयर कर सकते हो कम्फर्टेबली। दिन भर भी अगर वेयर करोगे तो आप एकदम कंफर्टेबल रहने वाले हो। इसके साथ इन्होंने ना आपको पैंट प्रोवाइड कर रखी है जो कि फुली इलास्टिकेटेड है वाइट शेड की। इसका मटेरियल भी जो है वो रेयन है, बहुत सॉफ्ट, कुछ इस तरीके से फुली इलास्टिकेटेड आपको पैंट मिलती है वाइट। एंड इसका फिट जो है एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल टाइट भी नहीं रहेगा बट फ्लेरी भी नहीं है। एंड नीचे जो है इसमें आपको पैच वर्क मिल जाएगा जिसमें कुछ इस तरीके से ना पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है वाइट कलर का। ये देखिए सिर्फ ये नीचे का जो इतना पोर्शन होता है ना आपका, ये वाला पोर्शन, इसमें आपको ये एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है, बाकी ये ऊपर वाला पार्ट जो है पूरा ही प्लेन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वाइट जो है बेसिक कलर है तो अगेन आप इसको किसी और कुर्ती वगैरह के साथ जो है पेयरअप कर सकते हो, तो या अगर कुछ इस तरीके का आप हैवी एम्ब्रॉयडरी में वेयर करना पसंद करते हो तो आप इसको भी परचेज कर सकते। नेक्स्ट साइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ब्यूटीफुल सा कुर्ता जो कि आपको रेयन फैब्रिक में मिलता है येलो शेड का कुछ इस तरीके से। इसमें आपको जो है राउंड नेक मिलेगा, यहाँ पे आपको रेड कलर का पाइपिंग वर्क दिखने को मिल जाता है नेक पे। एंड ये जो है श्रग स्टाइल में कुर्ती है, इसमें ये जो आप श्रग देख रहे हो ये इसमें अटैच्ड है तो ये निकलेगा नहीं, कंफर्टेबल रहता है। पूरे ही श्रग में आपको ये ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का जो है रेड कलर का कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, साथ में फॉल्स मिरर का डिटेलिंग भी दिखने को मिलेगी कहीं कहीं पे। ये देखिए कुछ ऐसी। सो ओवरऑल अगर मैं दिखाऊँ तो इसका श्रग जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है इसका पैटर्न। स्लीव्स आपको इसमें मिलेंगी 3/4 कुछ ऐसी, एंड स्लीव्स के एंड पे भी आपको ये पैच वर्क दिखने को मिलेगा रेड और ग्रीन कलर का, मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क है, एकदम नीट और क्लीन वर्क हो रखा है इसका भी। ये देखिए कुछ ऐसे। बाकी ये जो है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, फिट इसकी एकदम परफेक्ट है। नीचे आपको ये इसी सॉलिड कलर का मिल जाएगा। एक्चुअली इसका जो शेड है ना वो टर्मरिक येलो कलर है तो बहुत ही वेयरेबल है, ये भी हर स्किन टोन पे जाएगा एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, कम्फर्टेबल रहता है वेयर करने पर। बैक साइड पर ही आपको पूरा इसी कलर पे मिल जाएगा सॉलिड शेड में कुछ ऐसे। नाउ इसके साथ जैसे कि मल्टी कलर का वर्क हो रखा है तो अगर आपके पास ग्रीन कलर की कोई बॉटम वेयर है या फिर रेड कलर की, दोनों ही परफेक्टली जाएंगी। फॉर दैट मैटर इसमें ऑरेंज भी है तो आप ऑरेंज भी वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लुक निकल के आएगी ओवरऑल इस पूरे कुर्ते की। तो या मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है, आपको कुछ इस तरीके का श्रग पैटर्न पसंद है तो आप इसको भी परचेज कर सकते। सो इट्स अ टाइम फॉर ज्वेलरी नाउ गाइज। तो कुछ ये ब्यूटीफुल सा 162 रुपीज का आपको वाइट सिल्वर में ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है एंड आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। ये जो है आपको एडजस्टेबल मिल जाता है तो आपकी रिस्ट जितना भी साइज की हो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बाहर से कुछ इस तरीके की इसमें फ्लावर डिजाइनिंग दे रखी है एंड अंदर से भी अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो ये जो है बहुत ही सॉफ्ट है, हार्श नहीं है। कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे जो है क्लोजर दे रखा है एडजस्ट करने के लिए जिसमें घुंघरू लटक रहे हैं एंड बहुत ही अच्छी फाइन फिनिशिंग है इसकी। कुछ इस तरीके से अंदर से देखिए कुछ भी चुभने वाला नहीं है, आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है कुर्तीज़ में वेयर करने के लिए। कुछ इस तरीके का आप एक ऑक्सीडाइज लेयर्ड में जो है नेक ले सकते हो, 250 something rupees में आपको मिलता है। इसमें अराउंड 6 to 7 लेयर्स हैं, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। बीच में आपको इसमें जो है कुंदन का, स्टोन का और इस तरीके से कॉइन वर्क मिल जाएगा एंड सबसे नीचे जो है इसमें एक इन्होंने टैसल टाइप्स जो होता है कुछ ऐसा लगा रखा है ये, जिसमें कि घुंघरू भी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये बीट्स जो इसमें एक्चुअली लगाए हुए हैं। कुर्तीज कॉटन साड़ीज़ के साथ बहुत अमेजिंग लगता है एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। ये जो है आप अपनी कॉटन की साड़ीज़ के साथ वेयर करोगे ना तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा एंड रियली स्टेनलेस है, 200 something rupees में कुछ। तो अगर आपको ये पसंद आता है डेफिनेटली आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो।
सो आई रियली होप गाइस कि आज का वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। इसमें से आप कुछ भी लेना चाहते हो नीचे मैंने कोड मेंशन कर दिए हैं, उनको ज़रूर चेक करिएगा। साथ में मेरा कूपन कोड भी यूज़ करिएगा ताकि आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल पाए। इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियोज़ आने वाली हैं, चैनल के साथ बने रहिएगा। और इसके अलावा भी आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिख के दे सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड येस, जिन लोगों की मेरे को ना एक कंबाइंड रिक्वेस्ट आ रही है कि आप एक कलेक्टिव हॉल वीडियो करिए मीशो की ज्वेलरी का, वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड। सी या।